अबे रिकांगे जरा तू के काम कर। अरे शाम होती ना तो तेरे हाथों में ऐसा थरका हो जाता, कांगना काट का शेर वाला नाच का। अरे का फुकट की पगार ले रहा हूँ इससे। अभी पहले धंधे पानी नहीं चढ़ रहे यहाँ, बस दो गलास भाई यूं 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 कर रहा। अरे कितना काम करता मैं, काम करा कर रहा है कि मार डाल गया। अबे ठीक है ना, गलास ही धो रहा झूठे, पहाड़ खोदने का काम नहीं कर रहा। तो तुम करके देखो ना, पहाड़ खोदने का काम नहीं कर रहा, अब काम समझ में आएगा। मेरे साथ दूंगा चलाने का, पहले बोल दिया मैं। हाँ अरे मैं यार काम छोड़ के मेरी पगार दो, मेरे को नहीं करने का काम। मेरे को आवाज दे रहा चाय दे क्या? तुम दे गया मैं ही दे गया हूँ। ज्यादा घूम मत चला मेरे साथ, मेरी पगार दे दो। रात के 10 बज रहे, मेरा खाने का टाइम हो गया। मेरे को मालूम है तेरा खाने का टाइम नहीं है, ले पीने का टाइम है। ले अब मैं तेरे को पगार नहीं दूंगा, पहले ले चाय दे क्या? अरे मैं नहीं जा रहा, मेरे को पहले पगार दो। अरे चाय दे क्या? मेरे पूरे बाल खराब कर दिए, मैं पूरी पूरी पगार लगा देता बाल संवारने के वास्ते। अरे क्या हुआ? अरे तू टेंशन मत ले, तेरे बाल खराब हुए ना। हाँ करू क्या करू, चले मेरे बाल लगा दे। ये तुम्हारे नकली बाल लेके मैं क्या करूँ? अबे ले मार दिया। अबे साकी भैया तू है क्या बे? अरे मेरा नाम वक्की है बे। अबे यार ये जमा करो उसको, ढाको। अरे वो लगा लो, रोशनी आ रही हो आके जब। अबे यार कैसे है? पहले मैं एक कुली संभाल पा रहा और दूसरा कहाँ से आ गया? थोड़ा माल। अरे यार पगार नहीं दे रही, कैसे मान लो मैं? पगार हो गई उधर, पगार पगार हो गई। अरे पगार नहीं दे रहा, अगर फकीर के साथ फिरता ना तो वो पैसे। अबे तेरे नहीं रहे उधर पगार, हो कंपनी में पगार हो गई क्या? नहीं यार पगार नहीं, ले खाई आ रहा पैसे, पगार नहीं दे रहा मेरे को। अरे वो मेरे बाल पूरे खराब कर दिए यार, मैं 350 पगार उठी, मैं बाल संवारने में लगा रही। बुरा बाप बता, पूरे तेरे नाम राम लखन का अनिल कपूर था ना वो, ये उसका पूरा बाल खराब करे, जलता है रे दादा तेरे बाल पे वो। देख ना तू ले ना उठान, ले लो उठान। अरे नहीं दे रहे यार, पैसे चुरा लिया कर रहे इसके गले में से। क्या रे नरे भाई की पगार नहीं दे रहा, उसका इतनी भारी बाल खराब करके नकली बाल दे रहा, दो गए तरह गए। इधर आओ दे। क्या हो सेठ, क्या करने का? चाऊ पिलाता? हाँ लेना। क्या चाह देते? और सेठ ठीक है ना? इंसान ने उतनी दारू की ना जितनी अपने को कच्चे। किसने दारू पिया भैया? मैंने किया। अरे हाँ। तुम पैसे देते हैं जो दारू पीऊ मैं? ले चाय दे क्या उधर, थोड़ी मेरे को भी 90 दो ना। क्या देने का चाय? हाँ दे क्या? हाँ मांग रहा हूँ। हाँ थोड़ी और तू ले, बिस्कुट का पूड़ा भी ले। जा वहाँ किनारे बैठ के खा। वक्की खाते में डाल देना, भुगत नहीं ले रहा। अरे भूख कुमारी की शिकार मेरी होटल के ही आते। हट साला। अरे ओ बाबूजी, अरे कहाँ जाता? अरे इधर नवाया कर रहे तो फैक्ट्री में, मेरे को नहीं पहचान रहा। भंगार दादा, मैं भंगार दादा क्या? इधर का पूरा स्क्रैप भंगार ये अपन लेके जाता क्या? अरे पहला बात सुन लो,
फैक्ट्रिया में मालिक भी नहीं है, मैनेजर भी नहीं है। मालिक नहीं है, मैनेजर नहीं, तू मेरे को रोकेगा? अब ऐसा मरूंगा ना भी तेरे मुंह पे बुक्का। अरे खाम का में हमसे भिड़ रहा है यार बाबू, बोल दिया कोई नहीं है, जाओ यार बाबू तुम जाओ। मेरा तो पंगा लग रहा, मिल बेटा तू बाद में, कसा तेरे को बताता हूँ, तेरे लाइन खराब कर दूंगा। अरे जाओ बाबू जाओ, अजीब अजीब डोका के लोग आ गए। भगवान ये पटिलुआ बहुत सता रहा है, कौन रास्ता निकाल दे। अरे यार हम तो लड़ाई झगड़ा भी नहीं करा था, एक फाइट अगर मार देना तो एक ही फाइट में साला खुला के मार भी नहीं सकते। हे भगवान हम ठहरे सीधे साधे, कोई रास्ता निकाल दे भगवान। जान बचाकर पाटिल का दिल जीत ले रहे, तूने मेरी जान बचाकर सिर्फ मुझ पर ही नहीं मेरी पूरी फैमिली पर एहसान किया यार। एहसान हम कौनो एहसान नहीं किए बाबू, हम तो सिर्फ इंसानी फर्ज निभाए हैं। आज हम तुम्हारे काम आए, कल तुम हमारे काम आ जाना, यही तो जिंदगी है। चला चला और भाई गोविंद आज तो बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। अरे खुश कैसे नहीं रहेंगे, 2 महीने की पगार मिली है, 1 महीने का साथ ही साथ बोनस, अब जा रहे हैं हम शॉपिंग करने। भाई जाओ भाई खुशियां मनाओ और अपने परिवार को भी हमारी शुभकामनाएं दे। जुबेर भाई आप भी चलो शॉपिंग करने के लिए। अरे नहीं भाई उसको जरा काम है, आप लोग शॉपिंग करो जम के और बच्चों के लिए खास तौर पर, ठीक है? चलो लाखन तुम ही चलो। तू कहाँ जा रहा है? मैं तेरे को शॉपिंग कराती हूँ। इतना क्यों डरता है मुझसे, मैं क्या करूँ? छोड़ मेरे को जाने का है, छोड़। अरे छोड़ मैं जा रही, अबे हट, तेरे साथ रह के तेरे जैसा बोलने लग जाऊंगा मैं। इससे तो मेरी घर वाली मेरे ऊपर शक करने लग गई, तू अलग मेरे आंग में घुसता। तो वो बिहार में है, मैं तो महाराष्ट्र में हूँ ना। अबे मत ना यार, मैं ही मिला गया तेको, अबे कोई दूसरा देख ले जाके। नहीं तू बहुत अच्छा दिखता है। अबे हट मैं जा रही। अरे भैया जी इकड़िए, ये भाई लाखन ये सब सामान अंदर याद से रख देना है। बोलो पाटिल भाऊ, दीपावली ची शॉपिंग झाली सगळी? पाटिल भाऊ मराठी नको। अरे जब तेरे को महाराष्ट्र में रहने का तो मराठी तो सीखना पड़ेगी ना। अच्छा सुन, दीपावली की सब तैयारी हो गई तेरी? सब शॉपिंग हो गई है, सबका ले लिया है। अच्छा कुछ नहीं बचा है। अच्छा अच्छा कुछ अगर पैसा पीसे की जरूरत पड़े तो मेरे को बोलने का, तू जो तो यूपी से आने के बाद देने का मेरे को पैसा वापस। नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम तुमसे एक बात कहना चाहते हैं पाटिल भाऊ। हाँ जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हुई तो हमको माफ कर दो। अरे नहीं रे बाबा तेरे से गलती नहीं हुआ, गलती तो मेरे से हुआ हो मालूम है क्या, मैंने तुम लोग को जो तो गलत समझा है ना, उसके लिए मैं तेरे से माफी मांगता, ठीक है? टेंशन नहीं लेने का, अभी जाने का और अच्छे से दिवाली मनाने का, ठीक है? अच्छा तो जाए पाटिल भाऊ। हाँ ठीक है जाओ, और घर वालों को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली बोलने का, ठीक है? हेलो। हाँ बोला पानी, कैसे बा? अरे हम मजे में बा, लोग खातिर आज हम शॉपिंग करे। अच्छा का लिए थे?
बबली के वास्ते बस्ता लिए है, बिट्टू के वास्ते खिलौने लिए है। अच्छा, हमें ले कुछ वास्ते बहुत खूबसूरत साड़ी खरीदे है। अच्छा हाँ, और हम क्या कह रहे हैं, दिवाली पे हम जो है घर आ रहे हैं और सभी साथ में मिलके धूम धाम से दिवाली मनाएंगे। अच्छा, ये लो बबली से बात करते पापा, तुम्हारे वास्ते बस्ता और एक प्यारी सी गुड़िया लाए। तो आपका भी आधा हिस्सा है। क्या तेरा क्या मेरा, तू
दिवाली के बाद घर से आएगा ना, उसके बाद देखेंगे। अभी जा, अभी बच्चों को देखेंगे। चलो फटाफट शॉपिंग कर, दो दिन बचे हैं दिवाली को, और सफर बड़ा लंबा है। चलो जा। क्या विजय भाई, अपन तीन दिन पहले तो वॉचमैन जी जाके पूछे, वो बोला कि लॉटरी का टिकट तो लगा ही नहीं है, तो फिर ये कैसे? अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। वो घर के हालात से इतना परेशान है कि कर्ज लेता नहीं, और खुददार इतना है कि एहसान भी नहीं लेता, और उसको मेरे हालात भी पता है। अगर उसको ये मालूम होता कि ये वो पैसे हैं जो मैं घर भिजवाने वाला था, तो वो इन पैसों को भी हाथ भी नहीं लगाता। एक बात उसको पता नहीं शायद, जिस तरह हम लोग ईद पे खुशियां मनाते हैं, उसी तरह ये लोग दिवाली की खुशियां मनाते हैं। आज मैंने पहली बार झूठ बोला है, लेकिन उसके बच्चों की खुशियां देखकर अल्लाह मेरे इस झूठ को माफ करे। मान गए जिदे का, मान गए। हेलो भैया जी। हेलो, नमस्कार। अरे बोलो पाटिल भाऊ, दीपावली की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। अरे आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ। और हाँ सुनो, दीपावली के बाद यूपी में ही नौकरी मत ढूंढ लेना, हमारे महाराष्ट्र में आना। हमारे महाराष्ट्र में तुम जैसे मेहनती लोगों की बहुत जरूरत है। जरूर आएंगे भैया, जरूर। चलो चलो ठीक है, रखता हूँ। जय राम जी की। नमस्कार, मैं नंदकुमार शावन, नगर शोक, मालेगाँव महानगर पालिका, नासिक, महाराष्ट्र। इस दिवाली को भारतवासियों को सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माझे नाव धर्मा नारायण भामरे, मालेगाँव महानगर पालिका नगर सेवक, महात्मा फुले समतापूरचे तालुका अध्यक्ष। संपूर्ण भारतला, महाराष्ट्राला दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा। व फटाकडे फोडण्याच्या वजहसे गरिबांना कपड़े व अन्नधान्य मदद करावी। और खानदेशी पंच चैनल की पूरी टीम की ओर से दीपावली की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों, आपको अगर ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे तो हमारे चैनल खानदेशी पंच को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।